गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप सबके साथ दो बहुत ही ज्यादा हेल्दी और फटाफट बनने वाली रेसिपीज लेके आई हूँ जो आप सब सुबह सुबह बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन में दे भी सकते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मसाला इडली। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लेफ्ट ओवर इडलीस ली हूँ, करीब 10 से 15 ले ली हूँ। आप चाहे तो फ्रेश वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं एक इडली को 4 पीस करके कट कर ली हूँ। तो यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैं 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल ऐड करूँगी। ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना है क्योंकि हम लोग ये बच्चों के लिए बना रहे हैं और इसको हेल्दी भी बनाना है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक बड़ा चम्मच राई ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से कुक होने के लिए दूंगी। राई जब अच्छे से कुक हो जाएगा इसके बाद ऐड कर दूंगी 10 से 12 कड़ी पत्ता। इसमें हमारा जो मसाला इडली बनेगा ना बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल बनता है। इसके बाद ऐड कर दूंगी ढेर सारा बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये सारी चीजों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च काट के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच हल्दी का पाउडर और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जब आप कभी भी सूखा मसाले ऐड करते हैं ना, फ्लेम को हमेशा लो ही रखिएगा, नहीं तो हमारा जो मसाला होता है वो सब जल जाएगा। तो यहाँ पे हमें हल्दी पाउडर को भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है क्योंकि हल्दी के अंदर भी थोड़ा सा कच्चापन रहता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हमारे इडली के पीसेस और इसके अंदर ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो अभी मैं ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और यहाँ पे हमें फ्लेम एकदम लो ही रखना है। अगर हाई कर देंगे तो इडली जो है ना वो नीचे से चिपक जाएगा। और यहाँ पे हमें इडली को फ्राई करना है करीब 5 मिनट तक, ताकि ये जो इडली है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है और हमारा सारा इडली एकदम क्रिस्पी बन चुका है। तो अभी मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमारा जो मसाला इडली है वो एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। आज का ये जो वीडियो है ना, ये किड्स टिफिन स्पेशल है, इसीलिए आज मैं आप लोग को सर्व करके दिखाऊंगी टिफिन के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक स्टील का टिफिन ले ली हूँ और इसके अंदर मैं सर्व कर रही हूँ हमारा मसाला इडली। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला इडली है ना वो अच्छे से रेडी हो चुका है और पैक भी हो चुका है। तो इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी 1 छोटा सा जूस का पैकेट, वो पतंजलि का है, आमला और एलोवेरा का, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहीं पे हमारा पहला रेसिपी ख़त्म होता है। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेकेंड रेसिपी। तो सेकेंड रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस है। यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं आलू टिक्की सैंडविच। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 बड़े साइज उबला हुआ आलू ले रही हूँ और इसको अच्छे से मैश कर दे रही हूँ। आप चाहे तो आलू टिक्की को प्रीवियस नाइट बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 3 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। उसके साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा आलू जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैगी का मसाला। इससे हमारा जो टिक्की बनेगा बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
तो यहाँ पे हमारा आलू टिक्की का मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए जल्दी से इससे टिक्की बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डो से एक बड़ा साइज का पोर्शन ले रही हूँ और इसको अपने हाथों से ऐसे राउंड राउंड करके टिक्की का शेप दे रही हूँ। तो जब भी आप लोग टिक्की बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि साइड्स में बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स होगा ना, तो फिर जब आप टिक्की को फ्राई करेंगे, टिक्की एकदम बिखर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टिक्की है वो रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग इसी तरह सारे मिक्सचर से टिक्की को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप ऐसे टिक्की बना के इसको डीप फ्रीज करके भी स्टोर कर सकते हैं अप टू 1 वीक। तो अभी मैं सैंडविच के लिए एक सॉस रेडी करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच मेयो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेन मेयो यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच केचप का और ये दोनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच इटालियन सीजनिंग का और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इससे हमारा जो सैंडविच बनेगा ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारा जो आलू का टिक्की है इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं और कुछ हेल्दी बना रहे हैं, इसीलिए शैलो फ्राई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं सारे टिक्कीज को अच्छे से लगा दी हूँ और इसको एक साइड से फ्राई होने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएगा। और यहाँ पे मैं मल्टीग्रेन ब्रेड्स का भी यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। अगर आपके पास मल्टीग्रेन वाला नहीं है तो फिर आप नॉर्मल सा ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू टिक्की को पलट दी हूँ और दूसरे साइड से भी अच्छे से तेल लगा के सेक दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आलू टिक्की है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है दोनों साइड से। तो मैं इसको निकाल दी हूँ और यहाँ पे हमारा जो ब्रेड स्लाइसेस है इसको भी लगा दी हूँ तवे के ऊपर और इसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ एक साइड से और 2 से 3 मिनट के बाद इसको मैं पलट दूंगी और दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से कुक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं दूसरे साइड से भी थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। तो यहाँ पे हमारा 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा सारा ब्रेड्स एकदम क्रिस्पी बन चुका है। तो अभी मैं इसको साइड में निकाल दूंगी। तो यहाँ पे हमारा आलू टिक्की सैंडविच बनाने के लिए सारा कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गया है। तो फिर चलिए जल्दी से सैंडविच को असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइस ली हूँ और एक साइड के ऊपर मेयो का स्प्रेड लगा रही हूँ, उसके ऊपर आलू टिक्की रख दी हूँ, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर का स्लाइस रख दी हूँ और ऊपर से सीजनिंग ऐड कर दे रही हूँ, नमक और काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद मैं रखूँगी जो चीज़ स्लाइस आता है ना उसका एक पार्ट और उसके बाद जो सेकेंड ब्रेड है उसके ऊपर भी मेयो का सॉस लगा दूँगी और इसको ऊपर से रख दूँगी। और हमारा ये जो आलू टिक्की सैंडविच है ना एकदम रेडी है। तो चलिए इसी तरह सारे सैंडविच को तैयार कर लेते हैं। तो आज का ये दोनों ही रेसिपीज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, टेस्टी है, हेल्दी है और साथ ही साथ झटपट बनके तैयार भी हो जाता है और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप ये दोनों ही रेसिपीज ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सैंडविच हो गया है रेडी। तो चले इसको अभी मैं माइक्रोवेव कर दूंगी 1 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अभी मैं इसको पैक कर दूंगी। तो पैक करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टील टिफिन का यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर एक सैंडविच लगा दूंगी और साथ में दे दूंगी एक छोटा सा केचप ताकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और हमारा आलू टिक्की सैंडविच हो गया एकदम रेडी। So hope you all like this video. Do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon to get further notification. Thank you for watching.